क्वेश्चन है अपने सामने, देखो क्या बोल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 14:2/7। देखो इसका मतलब क्या होता है, 1/7। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/7। 1/7 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 7 रुपये से अमाउंट बन रहा है कितना, 8 रुपये 1 साल में। अगर 3 साल की बात हो रही है तो पावर 3 कर दो तो 8 की पावर 3, 7 की पावर 3 क्या होता है, 343, 8 की पावर 3 होता है 512। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलो सर डिफरेंस आ जाएगा 9, इधर 10 में 4 गए 6 बचे और इधर 1 169। ये अपन को गिवन है, 169 यूनिट की वैल्यू अपन को गिवन है। क्या गिवन है, 13,520। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 13 से कट जाएगा, 13 13 जा 13 बन जा 0 और 13 4 जा और 0, 13 से फिर कट जाएगा, 13 एकम 13 13 8 104, ये 0। एक यूनिट का मतलब आ गया 80 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर प्रिंसिपल हो जाएगा 343 मल्टीप्लाई बाय 80, ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन अपन से प्रिंसिपल नहीं पूछा, अपन से क्या पूछा, 2 साल बाद अमाउंट कितना हुआ। देखो 2 साल बाद अगर अमाउंट की बात करें अपन, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा क्या, 1/7 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7 स्क्वायर से 8 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन ने इन्वेस्ट कितना किया है, अपन ने इन्वेस्ट किया 343 मल्टीप्लाई बाय 80, मतलब इसका कितना गुना, तो आप बोलोगे सर 1 7 का गुना करना पड़ेगा, 80 गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी इतना ही करना पड़ेगा, 7 का गुना और 80 का गुना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 8 का गुणा करेंगे, ये 8 8 क्या हो जाएगा, 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 512। और इसमें 70 का और गुणा करना है, कर दो, 1 0 आ जाएगी, 7 2 14 4, 1 7 1 7 और 1 8 7 15 35, क्या हो गया, 35,840। जी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2 साल बाद अमाउंट। ठीक है,